धड़क धड़क जाए रे, दिल धड़क धड़क जाए रे। पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी अन्य राज्य में भी लोग मन इमन जानते हैं। इमन की कला और इमन की आवाज, इमन की एक्टिंग में इतना जादू है कि लोग मन इमन की दीवाना हो गए हैं। आप मन जाना था इमन ला चेहरा देख के पहचान सका था मैं काकर बात कर रहा था। मोर साथ में बैठे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार मन कुरैशी जी और अनुकृति चौहान जी और भी कलाकार हमारे साथ में। तो अब आओकर जिंदगी से जुड़े हुए कुछ खास चीज हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में कुरैशी जी आपन के स्वागत है और धन्यवाद जी। तो हम अपन दर्शक मन सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आप मन छत्तीसगढ़ के कौन जगह से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले? मैं प्रॉपर राजनांदगांव से हूँ। और आप? रायपुर। तो ये छत्तीसगढ़ में आप मन फिल्म में काम करता, तो ये छत्तीसगढ़ी फिल्म में कैसे आप मन यहाँ तक पहुँचा, कैसी बात था? देखो हमारे लगते कि जब कोई आदमी अपन पैशन ला पूरी शिद्दत से फॉलो करते तो वो कहीं ना कहीं पहुँच जाता, चाहे काम कोई भी हो। चाहे आप पत्रकार हो सकते, आप ला पत्रकारिता के पैशन हो ही, कोई अगर अकाउंटेंट हो ला अकाउंट के पैशन हो ही। और हमन ला यही बनना रहीस, यही करना रहीस है। हमारे मन के नसीब बहुत अच्छा रहीस कि हमारा सही टाइम पर सही मौका मिल गईस। और दर्शक के बहुत बहुत आभार कि पहला फिल्म से ही एक्सेप्ट कर लीस हमन ला। तो बस सफ़र निकल पड़ीस और फिर उखर बाद उतनी शिद्दत से मेहनत करा था, उतने पैशन से काम करा था ना, काम करे में हमन पीछे हटन ना प्रमोशन में पीछे हटन। तो हमारा लगता है कि जब मेहनत जी तोड़ करे जाते तो उखर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिलते। और आज ये रिस्पॉन्स है कि पूरे छत्तीसगढ़ की पब्लिक हमारा प्यार करते, हमारा जानते पहचानते, अतका माया दुलार देते। तो सबसे पहली फिल्म आपने कौन सी रही? मोर पहला फिल्म बीए फर्स्ट ईयर रही से। जी हाँ, काफ़ी प्यार दुलार मिली बहुत बहुत। तो हम सोचे नहीं रहे हम रातों रात स्टार बन गए उस फिल्म से। अभी तक छत्तीसगढ़ फिल्म कर चुके हैं? मोर ख्याल से मोर 17-18 फिल्म लगभग हो चुके हैं। मोरो अन्नी के लगभग आसपास फिल्म है, ओकरो 17-18 फिल्म है, मोरो 17-18 फिल्म। छत्तीसगढ़ में जितना भी फिल्म बना था अभी की स्थिति में, तो आप मन के दोनों जोड़े सुपर हिट माने गए है। तो पहले से ही हमन भी बहुत सारा प्रमोट करें गाना मनला, तो देखा भी रथन वो ग्राफ लकी आप मन के गाना आते ही फिल्म हिट हो के गारंटी हो जाए रहते। तो एमा आप मन की कड़ी मेहनत और फिल्म की स्टोरी ये सब चीज़ रहते। तो बाकी आप मन छत्तीसगढ़ में इतना बेहतरीन काम करा था, तो आप मन ला इस रूप में कैसे लगते एक सामान्य आदमी के बाद में स्टार के रूप में आया? तो देखो जहाँ तक गीत संगीत के बात है तो सच बोलूँ तो एक सब श्रेय जो होते हमारे गीतकार संगीतकार लिरिक्स राइटर एमल ला मिलते। हमन तो सिर्फ उन्हें परफॉर्म करता, हमन बहुत लकी है ने चीज़ में कि कोई भी हमला हमेशा अच्छा गाना मिलते। और एक और प्लस पॉइंट है कि गाना में जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो गाना वो बेहतर लगते। तो ये दोनों तीनों चीज़ मिल करके कोई गाना ला हिट करते। चेहरा के विशेष महत्व पड़ते छत्तीसगढ़ में या कोई भी फिल्म में बोल सकते। तो हाँ ये तो मानना पड़े कि आप मन की चेहरा के बिल्कुल वहाँ प्रभाव है। और आप मन छत्तीसगढ़ के बाद में अभी भोजपुरी फिल्म भी काम कर रहा था, उसका भी हमारा जानकारी मिले इसे। तो भाषा संबंधी कोई समस्या वहाँ तो दिक्कत उक्कत रही जैसे? नहीं नहीं, कलाकार बर भाषा संबंधी कोई समस्या नहीं हुई। खबर कि हमन उखर पीछे काम करते ना, अपन मालूम है कि भोजपुरी बोलना है तो मुँह उठा के भोजपुरी बोले पर नहीं चले जाबो। उखर पर प्रैक्टिस करबो, उखर स्क्रिप्ट पढ़बो या वैसे फिल्म देखबो या कहीं ना कहीं ओला सीखे की कोशिश करबो। तो वो हमारे एक बैकग्राउंड वर्क है, वो हमन करते रहते हैं, तो भाषा के प्रभाव नहीं पड़े। तो छत्तीसगढ़ के लोकेशन और भोजपुरी यानी कि बिहार यूपी के लोकेशन में कुछ खास अंतर इसे आप मन ला? नहीं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो लोकेशन है वो इंडिया में कहीं नहीं है। आप कश्मीर भी जाओ तो आप ला बर्फे बर्फ मिली, लेकिन आप छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह मैन पर चलो ठंडी में तो बर्फ़ भी मिल जाएगी, तीरथगढ़ चलो झरना ही मिल जाएगी, कांकेर चले जाओ तो पहाड़ भी मिल जाएगी। दुनिया की चीज़ है हमारे यहाँ और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कश्मीर जाओ कहीं जाओ तो आपका उखर पर चार्ज पे करना पड़ता है हमारा शूटिंग करे पर। छत्तीसगढ़ एक ऐसे जगह है जहाँ पर बाहर वाले मन आ करके भी दो पैसा बचा के जाते हैं। खबर कि हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड लोकेशन है। तो छत्तीसगढ़ फिल्म में आप लोग जो फीस मिला त्रिशो ही जो मेहनताना, और भोजपुरी में जो कि वहाँ की जनसंख्या अधिक है, वहाँ के देखने वाला भी अधिक है, तो इनमें तो आप मतलब कुछ बेनिफिट अलग तरीके से मिली सो? हाँ वो चीज़ तो है, लेकिन वो थोड़ा वो पर्सनल चीज़ है वो। पर हाँ डेफिनेटली वहाँ का टेरिटरी बड़ी है और उमन ला ही पता है कि हाँ उमन कौन ला ले है का ले है। तो जो एक इंसान के वाजिब कीमत होते वो हर प्रोड्यूसर ला वो चीज़ समझते और वो देते। आपके और आने वाला कोई फिल्म के बारे में बताओ? मोर अभी बहुत सारा फिल्म आने वाला है। मोर अभी 17 हो सकते 17 जून को लव लेटर आई, हो सकते 22 जुलाई को मिस्टर मजनू आई, उखर बाद साथी रही, ऐसे करके मोर अभी लगातार 3 फिल्म हुआ है।
काबर की एक्चुअल में फिल्म हमन लगातार एकर भर भी आते हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये सब फिल्म हमन 2020 में बना के बैठे हैं। दो साल तो कोविड रिलीज, आपके भी काम बंद, हमरो काम बंद, थिएटर भी बंद, तो ये जो इश्क में रिस्क रिलीज या डार्लिंग जो अभी चले रही है, ये सब फिल्म जो रिलीज है ये बन के बैठे रही है। इला कम्प्लीट करके हमन सिर्फ इंतजार करते थिएटर अच्छा से खुल जाए, पब्लिक में कोविड के जो डर है वो चले जाए, तो करके अभी फिल्म लगातार इतना आते, नहीं तो एक्चुअल में हमर फिल्म भी 4-6 महीना में एक फिल्म आते। पर अभी हाँ, इतना जो आपके सवाल पूछे होगा जवाब ये है कि अभी मोर 3 फिल्म लगातार आने वाला है। अनुकृति जी आपन बता, आप मन कौन सी फिल्म आते अभी? अभी तो आए है इश्क मरीज के, फिर अभी आगमी फिल्म जो आगे आई वो मिस्टर मजनू है जी के साथ ही है, साथ ही साथ चल हट कोनो देख ली सतीश जैन जी की पिक्चर है, तो दो तीन फिल्में जो आई है पिक्चर। तो ये आप जो अभी फिल्म में काम करे है इश्क मेरी इश्क में, वो कर शूटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही, सेम कतक मेहनत करे आप मन, और जी का सफलता किस प्रकार से आप मन देखा था छत्तीसगढ़ में घूम घूम के जाते थिएटर मन में, अभी आप मन वर्तमान में भड़गांव में है तो कई जगह घूम के देखा तो, या तो लोगों मन के रिस्पांस किस प्रकार से आते ये फिल्म मन लेकर के? फिल्म की शूटिंग जो है वो मैक्सिमम अंबिकापुर और मैन पार्ट के आसपास में हो, प्रोड्यूसर वहाँ के रही से और हमारे वैसे ठंडा जगह चाहिए भी रही से करके हमन वहाँ शूट करें, तो मैन पार्ट जो जिला अमन छत्तीसगढ़ के कश्मीर बोलथन, तो वहाँ पर मैक्सिमम शूटिंग वहाँ है, कोरबा है, सतरेंगा है, आसपास में कोरबा के आसपास जो झरना वगैरह है वहाँ सब हो है, तो जितका खूबसूरत लोकेशन हमन कर सका, जितना जरूरत रही से हमन उतका खूबसूरत लोकेशन में शूट करे हैं। और आप पूछे भटगांव में आए हन हमन, अभी हमन बिलासपुर गिर हैं, तो हमन सिर्फ एकरे पर जाते हैं खबर कि पब्लिक इतना प्यार देते, अगर हम जा करके फेस टू फेस 1-to-1 अगर उमन अभिवादन नहीं कर वो, हमन इतना बड़े सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहन कि एकदम पब्लिक से एकदम परे हो जान या दूर हो जान, हमन चाहतन कि हमन ओखरे मन के बीच के व्यक्ति हैं, वहीं से उठ के यहाँ तक क्या है, तो जहाँ भी हमन के जाना पॉसिबल हो हमन वहाँ जाके ओखर मन के आमने सामने खड़े होकर अभिवादन करन, उमन ला धन्यवाद बोलन, अपन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज संस्कृति के प्रचार प्रसार भर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करे पड़त है हमन ला तो कोई दिक्कत नहीं हमन करत हन। तो ये रही ने हमन बीच में मन कुरैशी जी और अनुकृति चौहान जी और भी कलाकार हैं, उनकर पूरा टीम आए हुए हैं, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है समय दे की।